आँच लग रहा है ना? हाँ जी आँच लग रहा है। थोड़ा सा सब्जी के लिए हम लोग रख देते हैं क्योंकि खाने का मन कर रहा है, और थोड़ा कम कर दीजिए ना दोस्तों। इसको खाने में आनंद ही कुछ और है। देखिए निकाल लिए, अब दूसरा राउंड के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त और खुश होंगे। उन सभी भाइयों और दोस्तों को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और आप सभी को हमारी ब्लॉग्स में स्वागत करते हैं। और आज के ब्लॉग्स में हम लोग बनाने वाले हैं दोस्तों मशरूम पकौड़ा। क्या जी दिखाइए मशरूम इधर। तो देखिए दोस्तों छतरी वाला मशरूम हम लोग ले आए हैं पहाड़ी से, और इसी को हम लोग भून लेते हैं पहले दोस्तों, और उसको आटे में मिलाकर पकौड़ी बनाने वाला था। आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए। क्या परी खाएगी ना पकौड़ी? बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। छतरी वाला मशरूम था दोस्तों, सारे मशरूम को हम लोग धो धा के एकदम तोड़ लिए। अब उसमें हम लोग देखिए चूल्हा बनाने वाले हैं, ईटा का चूल्हा। तो इधर हम लोग मिट्टी का चूल्हा जो है ना दोस्तों, तो भीग गया, तो उसमें लकड़ी से जलाने से भी नहीं जलेगा, बड़ा आदरिक हो जाएगा। क्या जी? तो हम लोग ईटा रखे हुए हैं साइड में, जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग जला लेते हैं और हटा देते हैं सब चीज़ खाना वाना बना के। क्या जी? तो इसमें दोस्तों हम लोग आटे मिक्स पकौड़ी बनाने वाले, मशरूम और आटे मिक्स। क्या जी? हाँ जी। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिएगा, और जो जो नए होंगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं बचे हुए दोस्तों, वॉच टाइम बहुत कम हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें हम लोगों को। क्या जी? हाँ जी। जलाइए चूल्हा, जलाइए। हाँ दोस्तों चूल्हा वूल्हा जला लिए हैं। अब उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग मशरूम को फ्राई करेंगे, नहीं तो आटे के साथ सानेंगे तो मशरूम कच्चा रह जाएगा। क्या जी? हाँ जी। तो सबसे पहले मसाला मिक्स करके मशरूम को फ्राई कर लेते हैं। अरे परी तुम क्या कर रही हो? हाँ जी, इस हिसाब से सब्जी बना तो सिर्फ भून लेते हैं ताकि कच्चा नहीं लगे, नहीं तो आटे में मिक्स करके और उसको छान देंगे, पकौड़ा बनाएंगे, तो स्वादिष्ट पकौड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। तब बस आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए, अब देखते जाइए किस तरह से बना रहे हैं हम लोग। फिलहाल अभी कढ़ाई चढ़ाए हैं। क्या जी? मशरूम फ्राई के लिए देखिए कढ़ाई में हम लोग चढ़ा दिए हैं, अब इसको ज़्यादा नहीं सिझाना है, मसाले भुजाने पर भूनिए। क्या जी? इसमें मसाला ही देंगे, इसके बाद हम लोग आटे में मिक्स करके दोस्तों और इसका स्वादिष्ट पकौड़ी बनाएंगे, खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। क्या जी? मसाला मिक्स मशरूम हम लोग फ्राई कर लिए हैं दोस्तों, अब इसको उतार देंगे, उसके बाद ठंडा होने देते हैं। और आटा में मिक्स करके इसको जैसे पकौड़ी का बेसन बेसन छानते हैं ना, उसी तरह हम लोग इसको मिक्स करेंगे ना, करके और सानेंगे इस तरह, प्याज और आलू बेसन में बना मिलाकर सानते हैं। क्या? हाँ। बस हम लोग इसको मशरूम को मिलाकर सानेंगे, वो भी आटे का पकौड़ी बना रहे हैं दोस्तों, बेसन वाला नहीं बना रहे। क्या जी? हाँ। उतार दीजिए, हो गया है इसको। हाँ ठीक, तो मशरूम भी ठंडा हो गया है हम लोग का, और इधर आटा निकाल लिए हैं और उसी में मिक्स करके सान रहे हैं दोस्तों। सानिए जी, इसमें निकाल इसमें मिक्स कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा सब्जी के लिए हम लोग रख देते हैं क्योंकि खाने का मन कर रहा है, और थोड़ा कम कर दीजिए ना। हाँ बस, बाकी मिक्स करके सान रहे हैं दोस्तों, और इसी को पकौड़ा हम लोग बना रहे हैं। जिसको जिसको खाना हो चले आए हमारे घर, मशरूम गर्म गर्म एकदम पकौड़ा बना के खिलाएंगे दोस्तों, वो मशरूम वाले। बहुत सारे लोग बेसन और क्या क्या पकौड़ा खाएंगे, मशरूम पकौड़ा नहीं खाए होंगे। क्या जी? तो हम लोग बनाते हैं, देखिए नमक उमक मिलाकर और मशरूम मिलाकर सान लिए एकदम अच्छी तरह से। ये कितना अच्छा एकदम इसका लेप बना लिए है, और उधर हम लोग का रिफाइंड भी गर्म हो गया एकदम अच्छी तरह से। अब इसको पकौड़ी तलना स्टार्ट कर दें। क्या जी? देखिए कितना मस्त छना रहा है, एकदम पूरा हीट हो गया है। क्या देखिए रिफाइंड, और हम लोग आँच लगाए थे पूरा एकदम, लकड़ी दे दिए थे पूरा एकदम, इधर पानी टपक रहा था ना, इसी की वजह से हम लोग बका गए जा रहे हैं बंद है पानी। क्या परी बन रहा पकौड़ी? नहीं खाई? देखो देखो बन रहा, देखो क्या चीज, देखो पकौड़ी। हाँ पकौड़ी बनना स्टार्ट हो रहा है परी, देखो ना अभी तला जाएगा, देखना। आँच लग रहा है ना? हाँ जी आँच लग रहा है, धुआं लग रहा है बड़ी तेज एकदम, पूरा मस्त एकदम खार होने दीजिए। क्या? हाँ जी।
आज हम लोग बेसन नहीं डाले हैं दोस्तों इसमें, सिर्फ आटे और मशरूम भूंज कर या फ्राई करके जो कहिए दोनों मिक्स करके हम लोग आज एकदम पकौड़ी बना रहे हैं। बड़ा ही स्वाद लगता है खाने में, हम लोग हर एक साल खाते हैं तो सोचे इस बार भी आप लोग को ब्लॉग्स के माध्यम से दिखा देते हैं कि मशरूम पकौड़ा कैसे बनता है। लगभग हो ही गया है लेकिन हम लोग चाह रहे हैं और लाल हो जाए क्या जी, क्योंकि आटा है ना, आटा तो कच्चा रहेगा ठीक नहीं लगेगा खाने में। और एग राउंड हो गया दोस्तों, एग राउंड और डालेंगे तो हम लोग को फिनिश हो जाएगा क्या पकौड़ी एकदम, उतार दे रहे हो गया ना। हाँ, हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों एकदम हम लोग को ताज़े ताज़े गर्मा गर्म पकौड़ी एकदम तैयार हो गया है। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, इसको खाने में आनंद ही कुछ और है। देखिए निकाल लिए, अब दूसरा राउंड के लिए दे रही है, इसको ठंडा होने दीजिए। परी ने तो आएगी तभी, बाबू और परी तो बोलेगा कि जल्दी दो जल्दी दो, देखी नहीं इसलिए नहीं आ रही, बाहर में खेल रही है वहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का मशरूम पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है, तैयार हो गया है। देखिए दो राउंड में एकदम पूरा छका गया, एकदम खरखर बना दिए एकदम पूरा, खरखर नहीं बना एकदम पूरा मुलायम है, खरखर बोल दे रहे थे। हां देखिए कितना स्वादिष्ट बना हुआ है हम लोग का मशरूम पकौड़ा। तो हो गया जी, तो ठंडा होने दीजिए और बाबू लोग को बुलाइए और खिलाइए। तो दोस्तों जो जो नज़दीक में आप लोग होंगे सो प्लीज मेरे घर चले आइए, खिलाते हैं आप लोग को गर्मा गर्म मशरूम पकौड़ा। तो दोस्तों हम लोग आज मशरूम पकौड़ा बनाकर तैयार कर लिए हैं, जिसको जिसको खाना है चले आइए। देखिए कितना सॉफ्ट बने हुए, एकदम अच्छा लगता है खाने में। अगर आप लोग को ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय 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 टाटा।